तो मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम फिर नए सवाल और नए बेहतरीन सवाल के साथ इस बार साथ में हैं कि अल्फा और बीटा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिए, वो इससे मिलता जुलता ही है, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन पे हो जाता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें जो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा है, इसका फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो एक बार इस पूरी इक्वेशन को हमको कॉस में बनाना है, एक बार इस इक्वेशन को साइन में बनाना है। तो ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी माइनस बी साइन थीटा। एक बार ऐसा लिख दिया और एक बार आप ऐसा लिख दें, बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस थीटा, ये लिख दें। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा आपका सी, इसका स्क्वायर मैं ओपन कर दूं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा। अब आप क्या करें कि पूरे को साइन में बदलने की कोशिश करते हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा। ये क्या बनेगा आपका, ये बन गया आपका, देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये भी साइन स्क्वायर है, तो इसको पास पास लिख लेंगे जैसे पिछली बार लिखा था, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पास हो गया। अब माइनस टू बी सी साइन थीटा, और फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ है आपका, कौन बचा आपका, सी स्क्वायर, और इधर से जो आएगा ये ए स्क्वायर उधर गया, तो ये बन गया माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो। तो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ज़रा कॉमन देख लें हम, तो ये जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सी साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लिख दिया मैंने, और अब इसको स्क्वायर थोड़ा उधर अलग से कर देंगे। फिर इससे जो इन्फॉर्मेशन है, क्या गिवन है अपने को, गिवन अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, या अल्फा एंड बीटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और रूट्स एक ही चीज़ है ना, सॉल्यूशन को ही रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ किसके हैं, इस इक्वेशन के, ऑफ अबव इक्वेशन, अब जो ऊपर लिखी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, अब उसके सॉल्यूशन है, तो इसलिए देयरफॉर साइन अल्फा एंड साइन बीटा विल बी रूट्स, ये भी रूट्स होंगे, और इसको रूट्स भी बोल सकते हैं चाहें तो। अगर आपको ये रूट्स में कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप सॉल्यूशन ही कहेंगे सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन साइन अल्फा साइन बीटा विल बी रूट्स, विल बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, ये इसके रूट्स हो गए। तो अगर रूट्स हो गए तो आपको मालूम है क्या बात मालूम है, वो यहाँ लिख देता हूँ आपको, कि अगर एक्स अल्फा बीटा रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा सी बाय ए। सी कौन है इस केस में, देखो ये सी है, ये सी है, और ए कौन है, ए ये है, ये कौन है, ये बी है,
तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया। अब इसको अपने रिकॉर्ड में रख लेते हैं, ठीक है ना, ये नंबर वन दे करके इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन जो थी, जो दूसरी थी जिसको मैंने रब कर दिया था, अब आओ उसको भी लिख देता हूँ। तो उसको लिख देते हैं, तो वो दूसरी इक्वेशन भी इसके जैसी है, पर उसमें थोड़ा सा चेंज था कि हमने इसमें साइन को उधर भेजा था, अब उसमें कॉस को उधर भेजिए। तो ए कॉस थीटा, वापस लिख देता हूँ मैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास आ जाएगा बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी माइनस ए कॉस थीटा स्क्वायरिंग। अब आप स्क्वायरिंग करिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा। अब बी स्क्वायर को इसको क्या लिख दोगे आप, बी स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा। फिर क्या करना है आपको, फिर सुनिए, कॉस स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ लेना है और उसमें से कॉमन भी ले लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस, और इसके रूट्स कौन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके भी रूट्स है, अल्फा बीटा बीइंग रूट्स उसी के जैसा है जैसा पिछला वाला है वैसा ही है, बीइंग रूट्स कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा क्या होगा, इसमें भी सी बाय ए होगा, तो सी कौन है, सी है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कौन है, ए स्क्वायर प्लस जैसा पीछे था वैसा ही है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू सी बाय ए, तो ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा आ गई। इसको नंबर दे देते हैं टू दे दीजिए, इसको नंबर हमने दे दिया टू। अब हमने क्या प्रूव करना है वो देखो, तो आपको प्रूव जो करना है उसको भी देख लो, आपको प्रूव करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू समथिंग। तो कॉस अल्फा प्लस नाउ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कितना है आपके पास, देख लीजिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा प्लस बीटा कितना था, था वो साइन अल्फा साइन बीटा फ्रॉम वन, वो था मेरे ख्याल से आपका सी स्क्वायर माइनस सी, सॉरी यहाँ माइनस है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, वो था आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का एलसीएम ले लें, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कट जाएगा माइनस इंटू माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपका हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा प्लस बीटा की। एंड अब बिल्कुल सिंपल काम है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला लगा दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और बस कुछ भी नहीं करना, वैल्यू डालना है, वैल्यू डालते से ही आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू है आपकी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो ये सी स्क्वायर जुड़ जाएगा टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपका दूसरा वाला। तो दोनों पार्ट दोस्तों प्रूव हो गए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ एक दो बार डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन को, खुद सॉल्व कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, दूसरे क्वेश्चन से हटके है, और एक बात का ध्यान रखें कि जो पिछले
सालों के कंसेप्ट थे अप टू 10, वो भी दिमाग में रखना है, उनका भी यहाँ पर यूज़ है। तो इसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट।